हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज अपना नया टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से लाया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड मैक्रो, इसको हम कहते हैं मैक्रोस। जैसे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, माइक्रो वर्ड आया था माइक्रोस से, उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड मैक्रो ग्रीक वर्ड से लाया गया है मैक्रोस, जिसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है लार्ज। तो लार्ज इसीलिए है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। क्या करते हैं? ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, स्टडी अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। सो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम, उसके बाद इसमें आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और इसके बाद हमारा आता है एग्रीगेट सप्लाई, इसके बाद हमारा आता है एग्रीगेट कंजम्पशन, और इसी तरीके से हमारे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी एंड इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी। बिहेवियर क्या करते हैं? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज होल। जैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे किसके बारे में, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट पूरा तरीके से, जो भी जैसे कोई इकोनॉमी है उसमें नेशनल इनकम क्या होता है, पूरी इकोनॉमी का नेशनल इनकम होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका हमारा जो कंसर्न होता है, किससे कंसर्न होता है, मेन इसका कंसर्न किससे है, कंसर्न्ड विथ किससे होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है इससे कंसर्न का, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा इसका आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा इसका आता है हमारा पॉवर्टी। इन सबसे ये कंसर्न होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी एंड इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन विच वी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। सो इन आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी, अच्छा हम लोग देखते हैं दूसरी टॉपिक को, क्या कहते हैं, माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। ठीक है, तो इसका बेसिक डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ माइक्रो और मैक्रो का क्या है। माइक्रो का ये लेटर आई, इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। और मैक्रो का ये वर्ड, ये लेटर ए, इसका क्या मतलब होता है, एग्री गेट्स। तो हम लोग अपने इन दोनों वर्ड से ही पता लगा सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारे
इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्रीगेट को, पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है और उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्टडी करता है। इसी तरीके से हम लोग अगले जो हम वीडियो डालेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मेन डिफरेंस होती है, जो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर टॉपिक में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन डिफरेंस क्या है। तो एक पॉइंट तो हमने आज पढ़ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को, बिहेवियर को पढ़ता है, उसके बारे में स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ होल, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, उसके बारे में स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन दैट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंसेस। एंड अब आप लोग बस मेरा एक छोटा सा काम कर दें कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।